सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई है ताकि विकलांगजनों का सही ढंग से भरण पोषण हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत ननबई के निवासी विकलांग पेंशन न बनने के कारण इनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेत बाड़ी तो है नहीं है, अधिया का राहत बटाई का किसी तरह ले करके बसर करते हैं, उसके बाद रहे तो छह लड़का है, दो परानी हम दोनों विकलांग हैं। बेटी भी हैं आपके? हाँ बेटी भी हैं, बेटी सयानी हो चुकी हैं, उनको शादी भी करने योग आ गए हैं। पेंशन बनवाने के लिए प्रयास जा किया है कि इन्हें कड़ामा ब्लॉक में कैंप लगा रहा, वहाँ गए प्रधान ले गए, वहाँ पर रहे तो हमको बुलाया गया, जब जांच हुई तो कहें कि बोले वहाँ अधिकारी कि नहीं रहे तो नहीं तुम्हारा पेंशन नहीं बनेगा, तुम विकलांग में नहीं आ रहे थे। हम फिर दोबारा प्रयास नहीं किया, उतने में ढीला हो गए कि पेंशन मिले तो उन्हें सही रहे। कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनवार के मजरा जुरावरपुर में सुरेंद्र सहित कुल दो लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र ना बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर का खर्च हमारा मजदूरी से और अधिया पराई की खेती लेते हैं। आपको विकलांग पेंशन मिलता है? नहीं मिलता सर। क्यों नहीं मिलता है? हमें इसलिए नहीं मिलता, हमारी जानकारी नहीं है कि कहाँ हमारा सर्टिफिकेट बनेगा। आपने ग्राम प्रधान से क्यों नहीं कहा? ग्राम प्रधान हमारी सुनवाई ही नहीं करता है। तो आपने उनसे कभी कहा था? तो कभी कहा है एक बार, मगर सुनाई नहीं होती है। यदि आपका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा? फायदा ये खर्चा चली हमारे, हम कहे में का कर दे, बने को चाहबे करी। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन सभी का जल्द से जल्द विकलांग प्रमाण पत्र बने ताकि इनकी समस्या दूर हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कौशाम्बी जिले के सिमो के मोबाइल नंबर 94 54 45 51 37 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।